हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई डोंट नो आप लोग, सो आई लव मैक्सिकन फूड। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने मैक्सिकन ट्राई किया है। सो मुझे मैक्सिकन फूड बहुत अच्छा लगता है और मैंने ये मैक्सिकन का ग्रीन वाला सालसा ट्राई किया था और वो मुझे इतना अच्छा लगा था। सो आई वांट टू मेक दैट। मैं वो बना रही हूँ, तो मैं बस दिखाना चाह रही थी कि उसके लिए पहले मैं बता देती हूँ, छोड़ो। उसके लिए मुझे ये टोमेटोज़ चाहिए, ये ग्रीन वाले टोमेटोज़ हैं, बट ये लोग इसको बोलते हैं टमाटियाज लाइक दिस। सो ये टोमेटोज़ हैं, ये मैंने लिए हैं तकरीबन 5। लाइक कुछ ये हॉलोपिनियस लिए हैं, लाइक स्पाइसी वाली मिर्चें, ये भी स्पाइसी हैं, ये भी लिए हैं मैंने। और डलेगी प्याज और थोड़े से लहसुन, और इसमें डलेगी चिकन क्यूब। सो दे यूज़ चिकन पाउडर, सो मेरे पास तो पाउडर नहीं है, मेरे पास चिकन क्यूब है जो हलाल है, सो मैं यूज़ करूँगी ये। और ये सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कैसे बनाना है। सो मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अभी मेरे पास ऑयल ख़त्म हो गया है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और मैं इसको गर्म करूँगी, मैंने तेज़ कर दिया है चूल्हा और गर्म कर हो रहा है। जब तक मैंने अपनी वेजिटेबल्स वॉश कर लिए हैं बिल्कुल, मैं इसको डाल दूँगी बस इसमें। और इसको मैं करूँगी सॉटे। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा माइंड मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चल रहा है, मैंने बस लगा दिया इसके अंदर तेल डाल दिया। आई थिंक इसके अंदर तेल डालना नहीं था, बस इसको ऐसे ही सॉटे करना था, लाइक बस फ्राई पैन के अंदर, और मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। बट इट्स ओके, तेल से कुछ नहीं होगा, तेल से होगा कि जितना भी सॉटे होगा ना ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो बस मैंने डाल दिया है तो कोई बात नहीं, इसके ओके। बस मैं इसको हिलाए जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कितना आपको इसको सॉटे करना है, ठीक है। अब ये सिज़र होना शुरू हो गया है, हमें ऐड भी करना है, थोड़ा तो पुलिस सुना कर दिया है तो जल्दी जल्दी हो जाए। आवाज़ देखो ना कितनी अच्छी आ रही है, अभी थोड़ा हल्का पीला कर देती हूँ मैं और इसको बस मिक्स करती रहती हूँ। आई थिंक गले आए, पर ऐसे ही करना है हमें, तो थोड़ा सा और करती हूँ, उसके बाद आई थिंक गया जा रही, ठीक है। थोड़ा सा नीचे साइड को एंड फिट भी चार, तो मेरा वाला इतना कड़क कड़क हो रहा है सर, टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं वहाँ, बट देखते ही तो इतनी कड़क हो रही है हवा पीने में, इसको फ्रीजर कर दिया मैं। ओके, तो एक पॉइंट पे मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर अपना लहसुन और ये प्याज, जो जब हो जाएगा ना सब, तो ये प्याज का टुकड़ा जाएगा इसके अंदर। अब इनको सीजन करनी है ताकि ये इसके साथ वो हो जाए। तो मेरे को चिकन क्यूब भी इसमें डालनी थी, बट मैं चिकन क्यूब नहीं डाली, मैं चिकन क्यूब जो है वो जब मैं ग्राइंड करूँगी फिर डालूँगी। अब मैं इसका बंद कर देती हूँ चूल्हा, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया ताकि, क्योंकि चूल्हा ऑलरेडी गर्म हो रहा है ना, तो उसमें ये प्याज और लहसुन सीजन हो जाएगा। सो गाइज, ये मैंने रख दिया था यहाँ पे, हो गया है अब ठंडा, और मैंने चिकन क्यूब भी इसके अंदर डाल दी थी, वो मेल्ट हो गई, इसके साथ ही कोई बात नहीं। अब क्योंकि मेरे पास एक छोटा ब्लेंडर, तो मुझे ब्लेंड करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बट मैं कर सकती हूँ, बात करती हूँ चलें। और इसके अंदर मैंने लिया है हरा धनिया, मैंने इसके अंदर वॉश करके रखा है, आप देख सकते हैं पानी आ रहा है। तो खैर, मैं ये हरा धनिया और ये सब करके बस ब्लेंड करती हूँ और मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो बस मैंने फास्ट वाली वीडियो बना ली थी और मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा डाल के ब्लेंड करना पड़ा क्योंकि मेरे पास अभी बड़ा वाला ब्लेंडर नहीं है, तो उसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया और हल्का सा नमक डाल दिया था बाद में क्योंकि मुझे लग रहा था फीका। और सो गाइस, मेरा सालसा रेडी है और ये बना है बहुत ही मज़े का, आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल मैंने बनाया है लेस स्पाइसी, मेरे पास मिर्चें तो बहुत सारी थी बट मैंने सिर्फ एक हलोपिनियोस और दो ऑलिव मिर्च यूज़ किए हैं क्योंकि मुझे पता नहीं कितना होगा, अगर मुझे लगेगा कि स्पाइसी नहीं है तो मैं बाद में मिर्चें ऐड कर सकती हूँ, बट अभी के लिए सो गुड मिर्चें के साथ। और मैं खाऊँगी इस चिप्स के साथ, ये चिप्स बहुत मज़े की होती हैं,
यहाँ पे हम कहीं पे भी कभी भी लाइक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो लोग चिप्स के साथ हमें सालसा देते हैं, या तो रेड वाला बना के देते हैं या ग्रीन वाला। तो आज मैंने रेड ट्राई किया है, अब नेक्स्ट टाइम मैं ग्रीन भी बना के ट्राई करूँगी, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। आप लोग भी बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।